हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया मस्त चल रही है। आज आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.3 और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन, एक नई एक्सरसाइज, क्लास को एंड तक देखिएगा। और हाँ, बीच में हम कपड़ा वगैरह बदल देंगे तो टेंशन मत लीजिएगा, बड़ी गर्मी लग रही है, बड़ा गंदा भी है, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन हम अलग कपड़ा में पढ़ाएं कुछ अलग में, तो ये मत सोचना ये तो काय अलग रंग बदल रहा है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब CSA आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखना मगर प्यार से। आइए इधर साइड में फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक शंकु बनाएंगे। शंकु बनाना आप लोगों को आता है, अच्छे से पता है। ऐसे एक शंकु बना लो राजा, जिसे इंग्लिश में कॉन बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। और कुछ दिया है? नहीं दिया है। CSA ऑफ कौन, यहाँ पर इसका सॉल्व लिखेंगे, हल लिखिए CSA ऑफ कौन, यानी जो कौन है मींस शंकु है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी मीडियम वाले लिख ले पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ, सॉरी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखो पाई आर एल, यही तो सूत्र होता है ना बबुआ, होता है ना। पाई का मान क्या रखोगे? 22/7। आर का मान क्या रखोगे? भाई रेडियस जो है वो डायमीटर का आधा होता है ऑफ, तो व्यास 10.5 है तो जो रेडियस है 10.5 का आधा होगा, मतलब बटे 2 इंटू यल का मान 10 दिया है, ये कट जाएगा, काट दीजिए 7 × 7 और 7×5 = 35। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना। 1.5 का 10 में मल्टीपल करोगे 15 हो जाएगा, और 22 का गुणा करोगे 15 में, क्यों यही तो बनेगा 22, लेकिन कहाँ से आएगा भैया? हाँ एक मिनट रुको, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नीचे 2 लिखा था इसको भी लिख लो, नहीं तो एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा ऐसे और भी कर लो, 2 से काट दो इसको, ये 11 आ जाएगा, तो इसको 11 कर लो, काहे लाइन बढ़ाओगे, तो 15 × 15 = 16 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब भी होगा स्क्वायर आएगा, क्षेत्रफल पूछा है ना, अगर ये वॉल्यूम होता आयतन होता तब आप इसे क्यूब में करते, सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, लिख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, देखिएगा मगर प्यार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी ऐसे होगा। कह रहा है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 12 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ध्यान से देखिए। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका त्रिज्या ऊंचाई दी गई है और आपको आधार का व्यास दिया गया है। देखो भैया सिंपल है ये भी बाबू, एकदम सिंपल है, लिखो पहले, लिखो दिया है, दिया है, क्या क्या दिया इसमें भैया, क्या क्या दिया बाबू इसमें? आपको CSA फाइंड करना है, क्या करना है? CSA फाइंड करना है। इसकी जो त्रिज्या ऊंचाई है वो 21 मीटर है, मीटर है कि सेंटीमीटर है? देखो प्यार से मगर प्यार से, मीटर है। आधार का व्यास 24 है, ये कितना है? ये 24 है, बस यही तो है, लगा दो फिर फटाफट। यहाँ पे लिखो दिया है, गिवन, गिवन लिखो, हिंदी में लिखो दिया है। देखो बाबू डी दिया है 24 मीटर, तो यहां से आर निकालोगे तो 12 मीटर आएगा, सिंपल है, चाहे तो सूत्र लगा के निकालो, वैसे लिख दो आधा होता है। यल दिया है आपका 21, पक्का? एनी डाउट? नहीं, और का दिया है? कुछ नहीं दिया है, लिख लो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, यानी टोटल सरफेस ऑफ एरिया TSA, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू आर प्लस यल। सूत्र तो पढ़ाया हूं आप लोगों को, पढ़े हो ना, मान रख दो सारे 22/7, आर का मान रेडियस कितना होगा 12,
ये 12 धन 21, एनी डाउट? नहीं, 22/7 × 12 × 33, कटे पीटेगा तो काट पीट लो, नहीं कटेगा ना, 12 से इसका गुणा करो, 12 × 24 = 4, 12 × 24 = 26, ये गुणा 33/7, इनका गुणा करके आप भाग दे लो बाबू, ये 1244 समथिंग आएगा, कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए, कक्षा 9 में पहुंचे हो, नहीं आता तो बेसिक मैथ ज्वाइन करो, ठीक है, 1244.50 समथिंग आएगा, लिख लो, दिख रहा है ना आगे, अभी मैं क्वेश्चन हटा दूंगा, दिखने लगेगा तो परेशान नहीं होना, ठीक है, ये क्षेत्रफल आ रहा है ना, तो मीटर स्क्वायर आएगा, अभी मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ, रुक जाओ, क्वेश्चन हटा रहा हूँ, क्वेश्चन हटा दो भैया, हटा दो राजा, हटा दो, चलो देख लो, लिख लो फट से, चलो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा खत्म हुआ। किसी के मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है बोलो, नहीं ना, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, जल्दी करें फटाफट फटाफट, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़े फिर, एनी डाउट किसी को? नहीं ना, चलो तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा ध्यान से देखिए, मगर प्यार से देखिए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 cm² है और इसकी त्रिज्या ऊंचाई 14 cm है, तो ज्ञात कीजिए पहला आधार की त्रिज्या, दूसरा शंकु को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ के सुना दे रहा हूँ, सुन लीजिए, इंग्लिश में सुनिए, कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन इज 308 cm² एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 cm, फाइंड फर्स्ट रेडियस ऑफ द बेस, मतलब आधार की त्रिज्या, सेकेंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, समझ गए, चलिए देखो बाबू, लिखो समझो, पहले दिया है, लिखो दिया है, हिंदी में इंग्लिश में लिखो गिवन, क्या क्या दिया है, गिवन क्या है, सबसे पहले तो हमें इसमें यल दिया है, यानी स्लैंट हाइट दिया है, यल दिया है, ये 14 cm दिया है, एंड सी एस ए दिया है 308 cm², ये दिया है, और कुछ दिया है, नहीं दिया है, ठीक है, फर्स्ट वाला फाइंड करिए, लिखिए, चूंकि जो फार्मूला होता है, लिखो बाबू सी एस ए, थोड़ा फंस रहा है वीडियो, क्या लिखो, जो सी एस ए, या हिंदी में लिख लो, चूंकि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल, ये होता है, हिंदी में चाहे लिख लो, चूंकि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया, अब ये चीज दिया है, अब पाई का मान रख दो 22/7, आर का मान, आर कहीं दिया है क्या हमें, हाँ दिया है कहीं, देखो नहीं दिया है, आर ही तो निकालना है, आधार की त्रिज्या यही तो निकालना है ना चाचा लोग, चलो निकाल लो फटाफट, निकाल लो आर, निकालो आर को छोड़ करके बाकी सारे मान रख लो, सिर्फ आर का मान छोड़ देना है क्योंकि वही निकालना है, इंटू एल का मान 14, 7 से काट दो 7 × 14, तो ये हो जाएगा आपको 308 = 22 × 44 इंटू आर, सही जा रहा है ना, अब ये हो जाएगा 308, इधर आएगा 44 भाग में हो जाएगा इक्वल आर, इसको जब आप काटोगे बेटा 44 से बंजा होता है 308, भाग दे के देख लेना, 7 = r आ जाएगा, या फिर इसे तुम r = 7 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही उत्तर हुआ, ठीक है, r का मान कितना है, 7 आ गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी करें, फास्ट करें, इसका अगला पार्ट पे बढ़ें, जल्दी करें, देखिए साथियों, सेकंड में पूछ रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया आप कौन पूछ रहा है, यानी जो ऊपर का ये पार्ट है इसका भी और प्लस बेस वाले का, हमें दोनों निकालना पड़ेगा, तो लिखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हम शॉर्टकट में लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया इक्वल सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है, समझ रहे हो, देखो मतलब ये है कि अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले पूरे
शंकु का हम क्षेत्रफल निकालेंगे और नीचे आधार का भी लेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, तो इसको अलग से जोड़ोगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो कर लो फिर, इनको जोड़ देना है, कर लोगे कि नहीं भैया? आओ एक मिनट रुक के, काय को वो लाइक कर रहा है यार ये। चलो तो सी एस ए बाबू आपको दिया है 308 पहले क्वेश्चन में ही, प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या करोगे बताओ भाई? चलो रखो फटाफट, रखो फटाफट। आप कहोगे एरिया ऑफ बेस क्या है? आधार में देखो आखिर है क्या, आधार में एक सर्कल तो है ना, नीचे एक वृत्त ही तो दिख रहा तुम्हें, क्या है बताओ? अगर ये थोड़ा सा गोला बना दूं ढंग से तो एक वृत्ताकार तो नीचे बन रहा है, हाँ वृत्ताकार बन रहा है ना नीचे, तो एक वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया आया था अभी अभी 7 आया था, निकाला था ना, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, 1 7 से 1 7 काट दो, अबे भाई 1 आएगा बबुआ, हाँ तो ये 308, ये धन 154 हो जाएगा। 154 कैसे हो जाएगा? क्योंकि 7 का गुणा करोगे 22 में, जोड़ दो फटाफट, हो जाएगा 462 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ में आया? किसी को एनी डाउट? नहीं ना। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। जल्दी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी करें, फास्ट करें, देर ना करें, बहुत जल्दी करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि शंकु के आधार की एक गुंबज की त्रियक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। समझो पहले, शंकु के आधार की एक गुंबज की ऊंचाई, आपने सुना होगा मंदिर का गुंबज बहुत अच्छा बन रहा है, अगर आप यूपी से हैं तो आपने न्यूज जो कह रहा है देखा होगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसका गुंबज जो है बहुत विशालकाय होगा। गुंबज का मतलब जो ऊपरी सिरा होता है, ऐसे गोला गोला होता है, फिर उसमें झंडा लगता है, मंदिर में आपने देखा होगा ऊपर ना, तो वैसे शंकु के आधार की एक गुंबज की त्रियक ऊंचाई। वास्तव में जो शंकु का आधार होता है बेस ना, उस पर गुंबज होता है। गुंबज का मतलब कैसे, देखो पहले तो इधर साइड में आप देख लीजिए क्वेश्चन, इसको मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा अभी, आप टेंशन मत लीजिएगा, बस थोड़ा सब्र रखिए। ये गोला गोला बन रहा है ना, ये इसी को एक प्रकार से गुंबज बोल रहा है, ये थोड़ा छोटा बड़ा लाइन है इसलिए ऐसा दिख रहा है, बाकी ठीक है, इंग्लिश में भी बताऊंगा अभी, थोड़ा सब्र बना के रखिए। कह रहा है त्रियक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः, पहले ऊंचाई है 25 है, आधार का व्यास मीन्स ये जो बीच में मैंने खींचा ये 14 मीटर है। अभी मैं क्वेश्चन हटा दूंगा तो ये क्लियर दिख जाएगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो टेंशन इसके लिए आपको नहीं लेना है। बात पक्की? अब सुनो आगे, कह रहा है इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। इसकी वक्र पृष्ठ का मतलब इसका जो ये साइड साइड वाला पार्ट है, जितने भी संपूर्ण पृष्ठ नहीं बोल रहा, टोटल सरफेस एरिया नहीं, ओनली सरफेस एरिया बोल रहा है, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है कुल मिलाकर के, उस पर ये सफेदी मतलब पेंट एक प्रकार से कराने का खर्चा निकालना है। सिंपल है, लिख लो जो दिया है पहले, यहाँ पर लिखेंगे दिया है पहले। क्वेश्चन का मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, मैंने कहा था ना इंग्लिश सुन लो, क्वेश्चन को इंग्लिश में सुनिए और ध्यान से सुनिए। कह रहा है द स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टोम्प, कॉनिकल टोम्प, देखो बाबू जो मैं गुंबद बोल रहा था ना, ये टोम्प है, टी ओ एम पी, ओके टी ओ एम पी, एम मीन्स मैन, पी मीन्स पैरट, तो एक कॉनिकल टोम्प, ओके सुन लो फिर से क्वेश्चन, फिर से सुनिए स्टार्टिंग से। द स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट का मतलब होता है त्रियक ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई, स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टोम्प आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, सीरियल वाइज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 210 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड? आइए गिवन हल करते हैं, लिखिए दिया है, हिंदी में लिखेंगे दिया है, इंग्लिश में लिखेंगे गिवन। तो बाबू यहां पर यल दिया है 25 मीटर एंड आर दिया है आपको 7 मीटर,
कहोगे कहाँ दिया है चाचा, क्योंकि आपको डी दिया है, डी डी 14 दिया है, तो डी से आर निकाल सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कौन सी बुराई है, नहीं ना। रेट कितना दिया है, देखो रेट जो है 210 रुपए है पर 100 मीटर स्क्वायर, तो ये रेट है, जितना रुपए है वो जितनी दूरी के लिए पेंट का खर्चा है उसको उससे भाग देके रेट निकाल लेते हैं, ये भी दिया है। हमें क्या निकालना है, लागत निकालनी है, बहुत आसान है, सिंपल है, लिख लो कॉस्ट, या फिर ऐसे लिख लो, हिंदी मीडियम वाले ज्यादा डिटेल में लिखते हैं, मंदिर के गुंबद का सफेदी कराने का कुल खर्चा बराबर, उसके बाद आगे लिखना जो भी लिखूंगा, ठीक है। हम छोटा सा शॉर्टकट में लिखेंगे, कॉस्ट यानी लागत इक्वल, देखो लागत इक्वल क्या होती है, सी एस ए इंटू रेट, मतलब जितना उसका कर्व सरफेस एरिया है, चाहे तो लिख लीजिए आप हिंदी मीडियम वाले, पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणे लागत, सॉरी लागत नहीं रेट, दर, दर बोलते हैं इसको हिंदी में, रेट को दर बोलते हैं, तो आप यहां लिख सकते हो पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणे दर, इंग्लिश में लिखेंगे सी एस ए इंटू रेट, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो सी एस ए कितना है, कहीं से मिला था क्या, नहीं, शंकु यानी कौन का सी एस ए पाई आर एल होता है इंटू रेट जो है 210/100, पहले से दिया है, रख देंगे, मान रखोगे 22/7 इंटू आर का मान 7, एल का मान 25 गुणे 210/100, इनको हल कर लेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 25 से ये कटेगा, 25 चौका 100, अब ये जो भी कट पीट रहा है काट पीट लो फटाफट, कुछ कटेगा क्या, इसके बाद हम ऊपर हल करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं भाई। चलो अब इनको हम एक काम कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, अगर आप ध्यान दो इनका गुणा करेंगे, अब 22 का गुणा अगर हम 210 में करें, और नीचे यहाँ पे देखो 4 है, सिर्फ और सिर्फ 4 है, कुछ कहीं गड़बड़ हो रहा है का, गुणा करके देखो फिर मुझे बताओ, मैं बताता हूँ, देखो बच्चों इसमें गड़बड़ नहीं है, लेकिन इसको हल करने का एक आसान तरीका करिए, ऐसे थोड़ा तरीका लंबा हो जाएगा, आसान क्या है, आप 7 से 7 को तो काट दिए, ठीक है इतना चलता है, अब 25 से 100 को मत काटिए, 25 से 100 को काट देने से यहाँ पे थोड़ा मामला फंस जा रहा है, मतलब कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तो कैलकुलेशन हम लोग शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो देखो बाबू क्या करेंगे, हम 25 को नहीं काटेंगे इससे, इसीलिए हमारे लिए आसानी होगी, कैसे, हम 1 0 से 1 0 काट देंगे, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, नीचे देखो 10 बच रहा है और कुछ नहीं बच रहा है, ऊपर अगर देखो तो 25 बच रहा है, 21 बच रहा है और ये 22 बच रहा है, इन सब का हम गुणा कर देंगे, कैसे करेंगे, 25 का गुणा कर लो 22 में, आसान है मल्टीपल करना, आसान हो जाए इसलिए मैंने ऐसा किया, 25 का 22 में करेंगे, बाबू 25 दूना 50 का 0 हाफी लाया कितना, 5, 25 दूना 50 5 55, यानी ये 550 हो जाएगा, और गुणा 21/10, समझ में आया, 25 का 22 में और 21 का गुणा कर लिया 10/10, इनको गुणा कर लीजिए आप, 1500 कुछ आएगा, कितना आएगा भाई, 21 का 0 में पढ़ोगे 0, 21 पंचे 105 करके देखो 11000 लगभग समथिंग आएगा, 11550 करके देखो, 11550/10 भाई, 0 से 0 कट गया, यानी 1155 रुपया आएगा खर्चा, ठीक है, बराबर कितना आएगा, 1155 रुपया, यानी उसका खर्चा सफेदी कराने का कुल 1155 रुपया आएगा। एनी डाउट किसी को पूछिए फटाफट, जल्दी करिए, आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी करें, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 7वां आज करना है, करा एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार का त्रिज्यमान सेंटीमीटर, ये थोड़ा गलत लिखा गया है, जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, इस प्रकार की टोपी 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, जो त्रिज्यमान है ना उसपे कुछ और है, तो बाबू जहां पे त्रिज्यमान लिखा है ना वहां पर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, बस आप इतना जान लो और कुछ नहीं है, ठीक है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाई 24 है। आइए मैं जोकर की टोपी बना देता हूँ, भाई जोकर की टोपी होती कैसे है, आप सबको ये चीज तो पता ही होगा, कुल्फी आपने खाया होगा, आइसक्रीम खाया होगा, उसे उल्टा कर दो, बस यही क्या है, जोकर की टोपी है, कुछ ऐसे ही होती है,
इसकी रेडियस दिया है बाबू, कितना दिया रेडियस? 7 सेंटीमीटर। आवाज में थोड़ा शोरगुल है क्या? ये 7 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई दिया बाबू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा क्या है जरा देखना, ध्यान से सुनना क्या पूछा है, समझना। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिए, इंग्लिश में भी मैं बताऊंगा, सुनिए हिंदी में। करा, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जो कि इसमें गलत टाइपिंग है, लिख लेना 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई मीन्स हाइट 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लीजिए। करा, अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 such caps। आइए लिखिए, गिवन मीन्स दिया है, यहाँ पे आप लिखेंगे गिवन, गिवन मीन्स दिया है। देखो बाबू आर दिया है इसमें, और आपको एच भी दिया है 24 सेंटीमीटर, एंड और क्या दिया भाई, कुछ दिया और का नहीं दिया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हमें सी एस ए फाइंड करना है, लिखिए कर्व सरफेस एरिया, या फिर आप लिख लेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, लिख लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, ए टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, या फिर इंग्लिश में लिखेंगे सी एस ए ऑफ वन कैप इक्वल क्या हो जाएगा, जो अभी तक आप पढ़ते आए हो पाई आर एल, शंकु है ना तो पाई आर एल, बेलन होता तो 2πRH, मान रख दीजिए पाई का मान 22/7, आर का मान मीन्स रेडियस, रेडियस मीन्स 7, और यल का मतलब भाई इसमें सेलेंटिंग लाइन दिया था क्या? नहीं, यल तो दिया ही नहीं है, क्या करेंगे पहले यल फाइंड कर लेंगे कहीं साइड में, क्योंकि देखो इसका काम लग रहा है फंस रहा मामला। तो बच्चों इस तरह से अगर आप इसमें देखो समझो, अगर फिगर कहाँ गए, ये क्या रेडियस है ना, अगर हम इसको आर से प्रदर्शित करें इफ लाइन को, और बाबू इफ लाइन को अगर हम एच से प्रदर्शित करें, मीन्स ये हाइट है, ये आर है मीन्स रेडियस है, और ये यल है, ठीक है समझो, इसमें यल नहीं दिया है याद रखना, ये हाइट है जो दिया है, ये तो मैं लाइन खींच करके यहाँ लाके बाहर दिखाया हूं क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी, तो ये यच है, तो यल निकालना है तो क्या होगा, आप देखो एक ऐसे त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है ना समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो सूत्र लगा दोगे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा इसमें, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, समझ रहे हो ना, लगा के देखो फट से, चलो तो चलो लगाओ, लिखो लिखो लिखो, यल इक्वल, शॉर्टकट में कर लो इतना आप लोग जानते हो, यल इक्वल अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, तो बेटा ये 7 का स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर, ये फाइनल में 49 प्लस 576, ये 625 अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन स्क्रीन से गुम कर दीजिए, यल का मान 25 आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, 7 7 कट गया, 25 × 50 555 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सभी मान जो दिए गए थे आपको क्या दिए गए थे, सेंटीमीटर में दिए गए थे। इस तरह से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो जल्दी से, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन डन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िएगा। एक महत्वपूर्ण संदेश स्क्रीन पर दिख रहा है, 25 जून से 9th और 10th की सारी क्लासें पीबीआर स्टडी 3.0 चैनल पर चलेंगी। अगर आप इस समय पीबीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल या हमारे कोई और चैनल पर हैं तो आप इस पे आ जाएंगे 25 जून अगर बीत चुकी है तब, ठीक है, ये क्लास पहले से ही चलती है इसलिए मैं पहले से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ 15 दिन पहले से। क्लास के बारे में आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो ये 50+ टारगेट इस समय चल रहा है लाइव करने का, आप लोग कम से कम 25 लोगों को शेयर किया करें।
क्लास का टाइम है यहाँ पर स्क्रीन पर देख लो, आप लोग पूछते हो कितना बजे चलता है ए बी सी डी। इस समय यूट्यूब पे 4 फ्री क्लास चल रही, देख लीजिए अपनी क्लास समझ लीजिए और फिर पढ़ते रहिए। 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, कह रहा किसी बस स्टाफ को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की जो दर है वो 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी ये आपको फाइंड करना है। इसमें पाई का मान दिया गया, आपको पाई का मान वही रखना है दशमलव में, ठीक है, और आपको अंडर रूट 1.04 का भी वैल्यू दिया गया है। इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए। अब बस स्टाफ बैरिकेडेड फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाई यूजिंग 50 हॉलोकॉन्स मेड बाई रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। ईच कॉन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1 सेंटीमीटर। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कॉन्स टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कॉन्स, ये आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन देखिए, लिखिए गिवन दिया है, जो दिया है मैंने उसको लिख लिया साइड में, आप देख लो, लिखो गिवन। गिवन लिखने के बाद क्या करोगे बच्चा पार्टी, ध्यान दो, आप फार्मूला लगाओगे। कौन सा फार्मूला लगेगा? एक चीज और, इसमें रेट भी दिया है, पेंट करवाने का रेट रेट दिया है, कितना दिया है 12 रुपया पर मीटर स्क्वायर, ये क्या दिया है? रेट दिया है। तो बच्चों पहले तो फिगर बना लो भाई, क्वेश्चन को छोटा करके हम एक फिगर बना लेते हैं, एक चित्र बना लेते हैं साइड में। देखो एक कॉन के जैसे, मतलब शंकु के जैसे चित्र बनाएंगे। बस अड्डे को क्या किया जा रहा है? शंकुआकार में अलग किया जा रहा है, मतलब काट काट के कुल मिला के इसको तोड़ा जा रहा है। इसका रेडियस 40 है, मतलब व्यास 40 है भैया बाबू, ये नीचे क्या 40 है। इसकी हाइट जो है ये दिया है 1 मीटर, ठीक है, ये बीच वाली जो है वो 1 मीटर दिया है, यही तो दिया है। इसमें देखो यल का एक मान दिया है, अभी सूत्र लगाओगे जो पाई आर यल, तो इसमें यल का काम लगेगा और यल कहीं दिया नहीं है, समझ रहे हो। अगर डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करोगे तो 0.2 मीटर आएगा। तो बाबू क्या करोगे, यहां से पहले यल फाइंड कर लोगे आप, तो यल बराबर आपको पता है, अगर इसको हम लंब मान लेंगे, इसको आधार मान लेंगे, इसको बेस और इसको कर्ण मान लेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है ना आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, स्क्वायर हटता है तो वर्गमूल लग जाता है, तो ये आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये क्या है स्क्वायर है। सारे मान ला के पुट कर दो, फटाफट सारे मान रख दो, आंसर दौड़ के आ जाएगा। आर मीन्स रेडियस, देखो बाबू रेडियस 0.2 दिया है, हाइट दिया है 1, ये हो जाएगा 0.04 और ये 1, क्यों 0.04 हो जाएगा ना, थोड़ा कम दिख रहा होगा क्योंकि पतला चल रहा है ना, पकड़ नहीं पा रहा ना कैमरा, चलो कोई बात नहीं है। ये हो जाएगा आपका यल, बाबू देखो इसको जोड़ोगे भैया तो 1.04 आएगा, क्योंकि इसका मान दिया है, इसका मान आपके बुक में कहा था कि 1.02 दिया है, ये दिया है 1.04, अगर अंडर रूट में है तो उसका मान नीचे दिया है, हम कहेंगे कि यल का मान 1.02 आ गया, ये सेंटीमीटर, ठीक है, एनी डाउट नहीं। अब लिखो इसको, मैं इधर साइड मिटाऊंगा, मैं यहीं पे लिखवाऊंगा, लिखो CSA ऑफ वन कॉन, एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले एक का निकाल लोगे फिर 10 से गुणा कर देना, जितने का भी निकालना उससे मल्टीपल कर देना। तो लिखो CSA ऑफ वन कॉन, पहले लिखो एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, लिखो अच्छा दिख रहा है ना ऊपर, तो एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बाबू, पाई आर एल, इसका मान रख दो 3.14, आर मीन्स रेडियस, इसका वैल्यू 0.2 आया था ना, 0.2 इंटू एल,
यल का मान अभी अभी हम लोगों ने फाइंड किया है, जो कि कितना आया था, 1.02। इन सब का आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा पता है? हल करके देखो भाई, देखो इसका गुणा कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 12 × 2 = 24 और 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा, 0.024 हो जाएगा, समथिंग ऐसे कुछ ना। फिर इसका उसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा जानते हो, 0.640 and 56 करके देखो, 0.640 56, ये क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सभी मान सेंटीमीटर में दिए हैं, क्या मीटर में दिए हैं यार भाई, ये सब मीटर में दिया गया था ना, तो मीटर क्यूब करोगे सेंटीमीटर क्यूब नहीं। ये वन कौन कहा गया क्वेश्चन में देखो तो इसमें 50 खोखले शंकुओं के बारे में बात की गई थी ना, तो आप लिखोगे 50 शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे वन कहा गया वैसे 50 शंकुओं का CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, तो इनको क्या करोगे बाबू, 50 से आप गुणा कर दोगे, 64056 को 50 से गुणा करोगे, गुणा करके आप देख लो तो 32.028 आएगा, ये मीटर का क्यूब, ये 50 का आ गया। चूंकि इसमें हमें रेट निकालना है खर्चा, कितना खर्चा लगेगा, तो आप लिखोगे कॉस्ट इक्वल फार्मूला होता है एरिया गुणे रेट, तो लिख लो एरिया गुणे रेट, हिंदी वाले लिखेंगे लागत बराबर कुल पेंट करवाने का खर्चा बराबर या लागत बराबर क्षेत्रफल गुणे दर, हिंदी वाले लिखेंगे ठीक है, क्षेत्रफल गुणे दर, दारा दर ठीक है। ओके चचा चलो, क्षेत्रफल कितना आया था भैया, ये आया अभी 32.028, दर है 12 रुपया पर मीटर क्यूब, फाइनल में गुणा करोगे तो 384 रुपया 40 पैसा आएगा, ये क्या आया, ये खर्चा आया ठीक है। किसी को कोई डाउट तो बोलो, एनी डाउट, नहीं ना कोई डाउट है तो बता दो बिल्कुल कि हाँ मुझे डाउट है। बच्चों इस तरह से आपका एक्सरसाइज 13.3 एंड हुआ और एक नया चैप्टर पढ़ेंगे हम 13.4 अगली क्लास से। कुछ भी कहना है तो कमेंट करके बता दो मुझे, बिल्कुल टेंशन मत लो, लेकिन हाँ क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, साथियों को खूब शेयर करिए, जितना ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे हम उतनी बेहतरीन क्लास लेके आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत सलूशन का, तो शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, अपने साथियों को लेके आओ। 25 जून के पहले अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो ये सूचना आप ही के लिए है, स्क्रीन पर जो दिख रही है इसे ध्यान से देखें और प्यार से देखें। अभी इस समय रेगुलर स्टार्टिंग के लाइव का 50+ टारगेट होता है, आप लोग कम से कम एक एक अपने मित्र को शेयर करें, जरूर करें, निवेदन है आप लोगों से। क्लास का टाइम दिया गया बच्चों, कक्षा 7 का 8 का 9 का 10 का क्या कैसे है सब स्क्रीन पर पढ़ लो, नहीं समझ में आता तो बताना। थैंक यू।